आज तो ये नीरज सिंह के छोटे भाई एकलव सिंह जिनकी 25 जिनका 25 एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड हुआ था, आज हम लोगों ने उनका 25 परीक्षण किया और उनकी गवाही आज कंप्लीट हो गई। उसके अलावा आज अभियोजन ने जो है अपने एक पॉकेट विटनेस निखिलेश सिंह और बिजू सिंह जो कि डिप्टी मेयर के प्रतिनिधि हैं उनको प्रस्तुत किया था गवाह के रूप में। आज इनकी सिर्फ एग्जामिनेशन इनकी रिकॉर्ड हो पाई है और उस एग्जामिनेशन के लिए मामला कल पर रेफर किया गया है, संभवतः कल उनको उस एग्जामिनेशन आज जो एग्जामिनेशन की गवाही हो उनके तरफ से गवाही के बाद पहला क्रॉस क्वेश्चन क्या था? पहला क्रॉस क्वेश्चन ये तो कोर्ट की प्रोसीडिंग में बहुत चीज़ हम लोग ओपन नहीं करना चाहते, एक मीडिया ट्रायल नहीं चाहते, मगर आज हम लोगों ने उनके आपराधिक इतिहास के बारे में चर्चा किया कि उनको चिट्ठी लगा था तो सब जाही बाइक है, उनको 6 महीने के लिए जिला बदल किया गया तो उनके भाई नीरज सोल्जे नीरज सिंह उनके ऊपर कई आपराधिक मामले थे। तो इधर भी देखिए आज इन लोगों को हम लोगों ने उनको एटेंशन रोक दिया कि साहब आप लोगों के ऊपर तो एक दर्जन से ज़्यादा क्रिमिनल केसेस है, आप लोग भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। हम लोगों ने आज सजेशन पुट किया था, उन्होंने कुछ का जवाब दिया कुछ को नकार दिया, मगर हम लोगों के पास सारे चीज की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, हमने न्यायालय को अवगत कराया कि उनका उनके भाइयों का जो आपराधिक इतिहास रहा है खासकर कोर्ट कैंपस के अंदर कोर्ट रूम के अंदर एक गवाह को धमकाने का पिस्टल निकालने का मारपीट करने का संगीन आरोप था, ऐसे लोग हैं ये लोग, हम लोगों ने माननीय न्यायालय को इसके अवगत कराया। न्यायालय देखिए ये एक्चुअल में कोर्ट प्रोसीडिंग है, अभी हम लोग बहुत अच्छी ओपन नहीं करना चाहते हैं, ये मामला है, मीडिया ट्रायल हो जाएगा तो इससे हमको नुकसान है, कोर्ट को भी फैसले में दिक्कत होगी। पिछले जो क्राइम के मामले हैं वो मामले आप कोर्ट में प्रस्तुत कर रहे हैं, इस तरह के मामले प्रस्तुत करने का हम लोगों ने कोर्ट का देखिए मामला हत्याकांड से ये है कि नीरज सिंह उनका गवाह का कहना था कि वो लोगों के आपके तारे थे, हम लोगों का कोर्ट के सामने ये कहना था कि कैसे आपके तारे जीतते थे, दर्जनों आपराधिक मामले हैं, एक मामला आया कि माननीय विधायक जो है उनको कड़ी टक्कर दिए थे 2014 की विधानसभा चुनाव में, आपको और सारे लोगों को पता है कि जो वोट ऑफ मार्जिन था जितने का 34,000 था, 34,000 मतों के अंतर से माननीय विधायक संजीव सिंह ने स्वर्गीय नीरज सिंह को हराया था, किस तरह का आंखों के तारे हैं, कितने लोकप्रिय हैं, ये हम लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू था न्यायालय के सामने लाना, आज इसमें हम लोग सफल रहे और जो घटनाक्रम से संबंधित प्रश्न है वो मीडिया ट्रायल हो जाएगा उसके लिए आपको समझ। अच्छा सुशील गवाह का भी ट्रायल हुआ, संजीव सिंह से कुछ क्वेश्चन है, अभी वो स्टेज नहीं आया है मुकदमे में कि संजीव सिंह को सवाल किया जाए, उनको बुलाने का पर्पस ये था कि बहुत सा चीज ऐसा जो हम लोग की जानकारी में नहीं है वो मेरे क्लाइंट जानता है, तो हम लोग जब गवाह उससे ऊपर इम्प्रूव कर जाएगा तो वैसी स्थिति में हम अपने क्लाइंट से सजेस्ट ले सकेंगे क्या ये क्या बोल रहा है, ये नया चीज आया, तो आज उनकी उपस्थिति हम लोग की गवाही के लिए बहुत फायदेमंद रहा। संजीव सिंह जो है वो सिर्फ खड़े रहे इस दौरान, उनसे कोई क्वेश्चन सवाल उनसे कोई क्वेश्चन सवाल नहीं किया गया, हम लोग जहाँ पे जरूरत थी उनसे कंसल्ट करते रहे कि इस मामले को क्योंकि आप अभियुक्त आप बेहतर जानते हैं वकील से, क्योंकि वकील जो है कन्फाइन रहता है पुलिस चारी से, बाहर के मामलों को तो मेरा क्लाइंट बोल सकता है, इसलिए मेरे क्लाइंट को उनकी उपस्थिति से हम लोग को बहुत सहयोग हुआ। आज किसकी गवाही थी और कल किसकी गवाही होनी? आज एकलव सिंह के अलावे उनके प्रतिनिधि हैं श्री निखिलेश सिंह, उनकी गवाही भी कल उनकी प्रति परीक्षण होगा, हम लोग पहले क्रॉस एग्जामिन करेंगे और उनके अलावा जो लोग लाएंगे पॉलिटिशियन उनको एग्जामिन करेंगे। अभी ये लगातार कितने दिनों तक है? कल तक लगातार, उसके बाद जो है कुछ डेट डिफर होगा, लंबा चलेगा, समान तरह से मुकदमे चलते ये भी चलेगा।